फाइनली गाइस, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला, ये कौन है सबू? मैं हूँ। नहीं नहीं ऐसे निकले मैं। जाके सब्सक्राइब कर दो, अभी मेरा एग्जाम चल रहा था तो कहाँ जाना है? पार तक जा रहे काम से। रामन? हाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस हम भी एकदम मजे में मस्त हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ, कुछ इस तरह की लोकेशन से, यानी कि मैत्रा से। हम जा रहे हैं यहाँ पे रामबन किसी काम से, आगे व्लॉग में हम बताई देंगे आपको कि किस काम से जा रहे हैं। फिलहाल जो है हमारे बाइक में फ्यूल भी कम है, फ्यूल भी डलवाना, और एक इसका ना फ्यूज काम नहीं कर रहा है। जब बाइक बंद होती है तो यहाँ पे लाइट आती नहीं है, एक फ्यूज इसका ना उड़ गया है, वो भी पहले लगाना है। वो लगा के आपको हम बताते हैं हम जा कहाँ रहे आज। आज का जो व्लॉग है काफी स्पेशल रहने वाला है। ये हम पहुंचे मैत्रा चौक में, ये रहा J&K बैंक यहाँ पे। हम थोड़ी बाइक को खींचते ज्यादा नहीं, क्योंकि पीछे साहिल बैठे हैं, वो नहीं देंगे हमें खींचने। चल जाते हैं हम तौसीफ भाई के पास, बाइक को लगवा देते हैं फ्यूज कि बाइक की लाइट्स वगैरह काम करे, क्योंकि वो काम नहीं कर रही है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये रहे हमारे तौसीफ भाई, तो ये रही हमारी बाइक, पहले हम इसको फ्यूज वगैरह लगाते थे। ये रहे हमारे इरशाद भाई, क्या हाल है? बढ़िया, मस्त मजे में। सीन हो रहा है इसका भी सीन हो रहा है, इसका भी सीन हो रहा है ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तेरी शॉप है यार, दे देंगे यार, कमाल है। गाइस ये हो रहा है हमारी बाइक में काम। तो यहाँ पे हम पहले फ्यूज वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद जाते हैं हम सीधा रामबन। तो बताएं कि हम रामबन क्यों जा रहे हैं। तो रामबन में तो रहते हैं हम, लेकिन अब खास जा रहे हैं बंदे एक से मिलने। क्यों जा रहे हैं आपको हम व्लॉग में बता दें। है तेरे पास? पार तक जा रहे काम से। रामन? हाँ। डस्ट है ना, डस्ट ले चाहिए मुझे, भूल गई रूम पे रहा। चल पे। तब इसने बोला नहीं। चल चल मेरे पास है एक और इलाज। है? जैकेट में घुसने का? हाँ। फाइनली गाइज अभी ना हम मैत्रा से निकल चुके हैं। बाइक में जो काम करवाना था खास काम नहीं था, कि जो फ्यूज लगाना था, जो अभी यहाँ पे लाइट आ रही है ये नहीं आ रहा था, नंबर शो नहीं हो रहा था, रेसिंग वगैरह को कुछ भी मीटर शो नहीं हो रहा था। तो हमने जो है फ्यूज लगवा लिया, अभी हम सीधा निकलते हैं पार्क के लिए। कि मैंने आपको बताया था कि किस लिए आज हम पार्क जा रहे हैं स्पेशल रामन, वो भी कहुबाग। तो गाइज अभी हम कहुबाग इसलिए जा रहे हैं कि आर्मी व्लॉगर के पास। आज हम आपको बताते हैं कि हम रामबन किस लिए जा रहे हैं। आज हम रामबन इसलिए जा रहे हैं कि हमने ना एक जो है फ्रेम बनवाया था अपने चैनल का, MSG व्लॉगर का। वो फ्रेम जो है आर्मी व्लॉगर ने, आप जानते हैं आर्मी व्लॉगर रावण में तो हर एक इंसान उसको जानता ही होगा, उनका चैनल है यूट्यूब पे आर्मी व्लॉगर के नाम पे, साहिल उनका नाम है। तो वो भी अपना फ्रेम लाने जो है वहाँ गए थे अनंतनाग, उन्हें मेरा भी लाया है। ये हम जा रहे हैं आर्मी व्लॉगर के पास अपना फ्रेम लाने, इसलिए जो आज का व्लॉग है खास रहने वाला है, स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आज हम फाइनली आर्मी व्लॉगर से जो है मिलने वाले हैं। अभी हम पहुंचे हैं कंतीर से पहले के कुछ इस तरह की लोकेशन पे। यहाँ पे सन जब भी आता है ना तो थोड़ी बहुत बाइक खींची रहता है, क्योंकि यहाँ पे रोड ना काफी अच्छा है और साफ है, साफ भी है और सीधा भी है। रहा कंतीर, यहाँ पे क्रेशर भी है, कंतीर का क्रेशर है ये साइड। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं YouTube पे जाए व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहा हूँ, तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं ना 2K का वेट कर रहा था, मेरे 2K कब होंगे और मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगा। फाइनली गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा जो है 2K करवा दिया, जो है अपनी YouTube फैमिली भी 2K पहुंच चुकी है हमारी। तो जो ही मेरे YouTube पे ना 2K सब्सक्राइबर हुए, आज ही निकल गया मैं व्लॉग बनाने के लिए। तो आज का व्लॉग जो है खास भी रहने वाला है, क्योंकि हम आर्मी व्लॉगर से मिलने भी जा रहे हैं। गाइस रोड इस तरह का होना तो मजा आता है व्लॉगिंग करने का, राइड करने का। यहाँ पे तो खाली डस्ट रहती है, बंदे को यार दिल ही नहीं करता फिर व्लॉग बनाने का भी। जब बंदा व्लॉगिंग के लिए निकलता है, घर से निकलता है, तो खाली डस्ट मिलती है, डस्ट नहीं हो तो ट्रैफिक जैम होता है। ऐसा रोड हो तो फिर तो अच्छा है। ये रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे? यहाँ से भी तो खुला ही है, फिर भी उन्हें रॉन्ग साइड से ही आना है। इसीलिए ना यहाँ हमारे रामबन में जो ट्रैफिक काफी लग जाता है, ट्रैफिक जब अपनी साइड से कोई चलेगा ना ट्रैफिक तो लगना ही है। भाई यहाँ से पूरा रास्ता खुला हुआ है, पूरा रोड खुला हुआ है, फिर भी इन्होंने यहीं से आना है, तो हमारी समझ से बाहर है कि क्यों आना है, इन्होंने क्यों नहीं आना है। गाइस आज ना सारा ट्रैफिक जो है कश्मीर से जम्मू की तरफ ही है, यहाँ से आपको जम्मू वाली साइड से कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। आज सारा ट्रैफिक जो है कश्मीर से ही है आज, इसीलिए आपको ना वहाँ से ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा होगा, क्योंकि आज ट्रैफिक जो कश्मीर से छोड़ा हुआ है। देखो ट्रैफिक कितना ज्यादा है, ज्यादातर आज आर्मी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, और इनका ये उसूल है कि साइड होती नहीं है, इनमें साइड होना ही नहीं है, ये देखते नहीं है कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं। देखो फिक्स बाइक की जगह छोड़ी है लोगों ने फिक्स। तो यहाँ से हम सीधा जाना है हमने आगे बस स्टैंड से होते हुए हजीर मार्केट, यानी कि बोली बाजार से होते हुए सीधा कहुबाग साहिल भाई के पास। साहिल भाई ने परसों मैसेज किया था हमें, मेरे पास आपका फ्रेम पड़ा हुआ है, तो अभी हम सीधा उन्हीं के पास जाते हैं। बाकी कोई काम तो हमें है नहीं, जो था बाइक वगैरह का वो तो हमने करवा दिया। तो ये रहा हमारा बस स्टैंड रामबन का। अरे भाई कहाँ जा रहा है भाई? वाह भाई, कहाँ से आया और कहाँ से निकला, कितना ट्रैफिक लगा आज। मतलब एक बस स्टैंड से अंदर से
बाहर निकल रही थी तो इतना ट्रैफिक लग गया 20 सेकंड में। हम ना यहाँ पहुँचे अभी, यहाँ से होने हमने लेफ्ट, सीधा जाने हमने कोहबाग आईटीआई के गेट के साथ में आगे थोड़ा, यानी आईटीआई गेट के पास ही, वहीं पे साइल पे रहते हैं। तो यहाँ से होना है राइट, या फिर ना ये बन रहा है फ्लाईओवर, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये शैन प्लस से, सीधा जा रहा है वहाँ के लिए जो है कैफेटेरिया मोड़ के लिए, और वहाँ से भी एक फ्लाईओवर बन रहा है सीधा कहाँ के लिए, चंद्र रोग के लिए। बड़ी व्हीकल्स है ना तो वो आती होंगी सीधी क्रोल से होते हुए पार से, कैफेटेरिया से पार सीधा चंद्र रोग, वहाँ से जाएंगे सवला कोट। जब तक जो है सवला कोट का काम लगेगा तब तक जो यहाँ का फ्लाईओवर जो है कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी अभी हम आ चुके हैं आईटीआई के रोड पे, तो सामने आईटीआई गेट भी है। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ आईटीआई गेट के पास में, वहाँ से हम पहले करते हैं साहिल भाई को कॉल, तो क्या बोलते हैं वो कहाँ पे होंगे। पहले मैंने कॉल की थी तब थे यहीं पे थे आईटीआई गेट में। फाइनली गाइस अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस तो भाई ये ना साहिल भाई ने लाया था हमारा अनंतनाग से, है ना? क्या बोला हमने आपके लिए स्पेशली लाया। मास्क उतार दो, बस बढ़िया, कुछ बता दो हमारे। ये हमारे एमएससी ब्लॉगर, वैसे ये मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला, ये कौन है सब्बू? मैं हूँ। नहीं नहीं ऐसे निकले मैं, वो भी बोलते कि मैंने कहा ये सब्बू लड़की का नाम है, लड़के का जी आपका नाम सब्बू? मेरा ये नेम क्या बोला? मेरा नाम रिहान। तो ये सब्बू कहाँ से आया? ऐसे ही अब मुझे यहाँ पे लॉगिंग करते हैं? नहीं मतलब अभी यहाँ मुझे तो 10 मिनट हो गए। तो जाके सब्सक्राइब करो भाई लोग, ठीक है ना? तो ये बहुत ही प्यार है वैसे, इनका भी थैंक यू जिन्होंने बनाया, उनको भी बोल दो। क्या नाम उनका? आयत है ना? आयत आयत, जाके उनको भी फॉलो कर दो, फॉलो कर दो। और बाकी हमारे रिहान भाई को भी जाके सब्सक्राइब करो जितना हो सके, ठीक है ना? और जो भी हमारा कोई सब्सक्राइबर, हमारा कोई सब्सक्राइबर देख रहा है वो आर्मी भाई को सब्सक्राइब कर दो, आर्मी ब्लॉगर मेरे जितने सारे कर दो, है ना? ओके ओके थैंक यू गाइस। तो ये था हमारे पास ना आर्मी ब्लॉगर ने जो हमने अनंतनाग से लाया था, तो अभी उन्होंने हमें दिया है, बहुत सारा, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। फाइनली गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं वापस, तो साहिल भाई ने मैं जो है अपना फ्रेम जो है मेरा फ्रेम जो था उनके पास वो पकड़ा दिया है। काफ़ी अच्छे साहिल भाई, बहुत हमें अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे से बात की। जाके जो भी मेरा सब्सक्राइबर देख रहा है उनको सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया मुझे तो लगता है कर ही दिया होगा, जिसने नहीं किया वो कर दो, जाके अभी जाओ और कर दो आरबीएन व्लॉगर। गाइस हमारे जो है 2K भी हो चुके हैं, तो 2K की हमने छोटी मोटी एक पार्टी रखनी है, वो भी आना चाहता है तो वो आ सकता है संडे के दिन पटनीटॉप में। मैं ना सैटरडे को स्टोरी डाल दूंगा कि मैंने कहाँ जाना है, पटनीटॉप कीजिएगा स्टोरी में पूरा बता दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है आना चाहता है वो कॉन्टैक्ट करे, मैसेज कर दे। बाकी हम फिलहाल जा रहे हैं अभी वापस। फिलहाल जो है गाइस हम फ्यूल भी भरवाते हैं बाइक में, फ्यूल है नहीं बाइक में, मैं ना अब यहीं पर जो है फ्यूल भरवाता हूँ शैन प्लस में। पहले मैं जो है बिहार में भरवाता था, जब से यहाँ पर खुला है तो यहीं पर भरवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना फ्यूल जो है काफ़ी साफ मिलता है, माइलेज भी काफ़ी अच्छी देता है। फ्यूल डला रहे हैं अपनी बाइक में, तो फिलहाल गाइस अभी हम बोली बाजार से जो है वापस जा रहे हैं। गाइस ये जो है यहाँ से राइट साइड जो रोड जाता है मस्जिद मार्केट से मैत्रा के लिए, अभी जो बंद है फिलहाल। आज के लिए कहा था कि झूला ब्रिज जो है खोल देंगे, वहाँ से छोड़ेंगे गाड़ियाँ, लेकिन नहीं छोड़ रहे अभी तक। अगर छोड़ते तो हम यहाँ से आसानी होती हमें जाने में, सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते, लेकिन हमने जाना है क्रोल से, वहाँ से हमें लग जाएंगे 20-25 मिनट। अभी हम पहुँच चुके हैं बिहार से वापस, तो फिलहाल हम अपनी बाइक को फेंट रहे हैं 73 पे, लेकिन आ चुकी है सामने से बस, तो हम भी करेंगे अभी बस। तो फिर से मिली हमें अभी खाली प्लेस, खाली रोड, तो भगाते हैं पहले अपनी बाइक को। भाई एक साइड क्यों भाग रहा तू, पीछे अच्छे से बैठना। गाइस देख रहे हो 50-60 तो बगैर एक्सलेटर के चल रही है आज ही बाइक। यहाँ पे जो हमारे ब्रदर जो है कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको कॉल की थी मैंने लेकिन कॉल लग नहीं रही है, उनको भी लेना था साथ में घर, तो कॉल लग नहीं रही है, लेकिन फिलहाल हम जाते हैं मैत्रा के लिए, मैत्रा में करते वेट। तो इसी बात पे आज के व्लॉग को हम करते यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, जो भी चैनल पर नया चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आप तक पहुँच सके और आप इन्जॉय करें।